मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के द्वारा नक्सल प्रभावित धरारा थाना क्षेत्र के परमसिया मध्य विद्यालय के प्रांगण में कई तरह के झूले लगवाए गए हैं। हम बताते चले कि पुलिस सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यक्रम में परमसिया गांव को पुलिस ने गोद लिया था। स्कूल भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने स्कूल में झूले लगवाने की घोषणा की थी ताकि बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षण बढ़े। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उनकी कोशिश है कि गांव के बच्चों को एक बेहतर माहौल मिल सके, साथ ही समाज के लोगों से अपील की है कि वे मदद को आगे आए ताकि गांव की प्रतिभाओं को संवारने का मौका मिल सके। मुंगेर पुलिस द्वारा पुलिस सप्ताह के दौरान नक्सल प्रभावित गांव बारामसिया और बिलोखर में पुलिस के द्वारा जनसंवाद प्रोग्राम चलाया गया था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। वहां पे बच्चों की और जो वहां के लोकल लोग थे उनकी एक मांग थी कि उनके यहाँ बारामसिया में काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड है, प्लेग्राउंड, जहाँ के एक सरकारी स्कूल भी चलता है, वहाँ पर जो है बच्चों के लिए झूले वगैरह और अन्य खेलकूद की सामग्री दी जाए जिससे कि वहाँ पर एक अच्छा माहौल का विकास होगा और बच्चों के अंदर जो स्पोर्ट्स की प्रतिभा है वो बाहर आकर के निकलेगी। इसी प्रक्रिया में बारामसिया में मुंगेर पुलिस के द्वारा झूला तथा अन्य खेलकूद की सामग्री को दिया गया है। उम्मीद है कि इससे जो है पुलिस मैत्री जो हम लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चला रहे हैं वो और सुदृढ़ होगी और हम लोगों को और बल मिलेगा, लोग और ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आएंगे।